हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फूड मैजिक विद पिंकू प्रीति। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? होली की तैयारियां हो रही हैं? नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट ठंडाई की रेसिपी बताने जा रही हूं। ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और आप इसको गर्मियों में भी एंजॉय कर सकते हैं। और फटाफट आप जो है इस तरीके से जो है आप इंस्टेंट ठंडाई का मिक्सचर बनाइए और 1 मिनट में आप ठंडाई आपकी रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन रख लेते हैं। पैन को हीट होने देंगे और बस जो है हाथ से टच करके देखेंगे, अगर हाथ जो है से टच हो सकता है, बर्न नहीं हो हाथ, बस जो है गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ता। और इसको हम फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं रखेंगे, बस जो है हमारा पैन हीट होना चाहिए। हमें इन सब का बस केवल जो है मॉइस्चर निकालना है। इनको हल्का सा क्रंची बना देंगे। और इसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप मगज, जिसको खरबूजे के बीज भी कहते हैं। आप अगर जो है कुकम्बर के भी सीड्स मिलते हैं उसको भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच सौंफ और इसमें हम 12 से 15 काली मिर्च ऐड कर देंगे। इससे थोड़ा सा पेपरी फ्लेवर, जरा सा पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पेपर पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा टिंजेंट जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें हमने डाल दिया है 2 टीस्पून पोस्ता दाना और ये मैं डाल रही हूँ 10 इलायची के छिलके निकाल करके उसके बीज और हैंडफुल ऑफ ड्राइड रोज पेटल्स जो है हमने ऐड कर दिया है। और ये जो है हम डाल रहे हैं केसर, आपके पास अगर हो तो ज़रूर डालें और जनरस जो है अमाउंट में डालें, बिल्कुल 2 पिंच जो है आप ऐड कर दें, बड़ा सा जो है क्वांटिटी। अगर जो है आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस इसमें जो है 2 चुटकी हल्दी लास्ट में डाल दीजिएगा। जब हम ग्राइंड करेंगे तो हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी जो है एंटीबैक्टीरियल होता है और इसका जो कलर है उससे अच्छा आ जाएगा। और हल्दी दूध के साथ में अच्छी जाती भी है बहुत। और इसको हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि रोज पेटल्स हमारे क्रंची ना हो जाए, कि उसको मसलने पर टूटे ना। और फिर जब जो है हम इस तरीके से 5 मिनट छोड़ देंगे और रोज पेटल्स हमारे क्रंची हो जाएंगे, तब हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। मैंने थोड़ा सा कोर्स पाउडर बनाया है और अगर आप चाहते हैं एकदम फाइन पाउडर तो फाइन भी बना सकते हैं। देखिए हमारा पाउडर ये रेडी हो गया है और ये रहा हमारा इंस्टेंट मिक्सचर। आप जो इस तरीके से बना करके गर्मियों में या होली के टाइम में जब भी चाहें तो आप स्टोर कर सकते हैं एक साफ बॉटल में। बॉटल क्लीन और ड्राई होगी तो ये मिक्सचर आपका 1 महीने फ्रिज में स्टोर करके बड़े आराम से चल सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये आपका इंस्टेंट ठंडाई मिक्सचर रेडी हो गया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं और होली पर तो आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। होली पर आप बनाएं और ठंडाई का मज़ा लीजिए। चलिए ठंडाई बना लेते हैं। और अब जो है हम एक ब्लेंडर जार में 2 चम्मच हम अपने ठंडाई पाउडर को डालेंगे और इसमें 200 ml मिल्क ऐड कर देंगे। आपको अगर कम जो है कंसिस्टेंसी का चाहिए, जैसे उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और लाइट फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 चम्मच चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और 3-4 आइस क्यूब्स। और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारी इंस्टेंट जो है ठंडाई भी रेडी हो गई है। ये बनने में केवल 1 मिनट लगेगा, तो 1 मिनट में हमारी ठंडाई बन गई और 5 से 7 मिनट में हमारा मिक्सचर बन गया। तो है ना कितना ईजी और क्विक ये होली का ठंडाई। और इस पर हमने जो अपना ठंडाई पाउडर है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया और इस तरीके से रोज पेटल से हमने गार्निश कर दिया है। रोज पेटल्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो गार्निश करें इससे, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा आ जाता है और ये एडिबल भी होता है, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन आप ये ठंडाई ज़रूर बनाएं इस होली। और आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही होली की फ्रेंड्स? मेरे चैनल को फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं किया, नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और फ्रेंड्स जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स इस होली आप इस इंस्टेंट मिक्सचर को, ठंडाई मिक्सचर को ज़रूर बनाएं
और स्टोर करके रखें, और जब भी कोई आए आप इंस्टेंट जो है इस ठंडाई को सर्व करें और बताएं आपको कि कैसी उनको लगी ये रेसिपीज, आपके सारे गेस्ट को और आपके फैमिली को। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली।